चलिए, स्वागत है आप सभी का आज फिर से। और आज मेरे साथ मेरे फेवरेट छात्रों में एक विपुल है, और विपुल क्लास 10th के स्टूडेंट है। अब आपको एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विपुल कुमार है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आधारशिला क्लासेस से कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पंकज भैया और अन्य शिक्षकों द्वारा हम लोग को बहुत अच्छी से पढ़ाया जाता है, और हमारे बोर्ड परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करवाया जाता है। चलिए, आपका आप अपने गाँव का नाम बता दीजिए। जी, मेरे गाँव का नाम चला है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? विपुल, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मैथ सर, तो क्या कुछ ऐसा ड्रीम भी है आपका, क्या आगे का प्लान जो मैथ से रिलेटेड है? 10th के बाद वगैरह का क्या सोचे हैं, क्या प्लान है? जी, IIT। अच्छा, IIT का प्लान है। ओ, तब तो मैथ्स मोस्ट है, नहीं? मैथ्स पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, इन सब पे आपको अभी से पूरा फोकस करना होगा। जी, चलिए मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं पूछना विपुल से। आप बताइए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए क्या होता है? ax³ bx² + cx + d त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अच्छा, ठीक है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। अच्छा, बताइए x² और प्लस x² - 1, x² + x² - 1 और +2, ये किस घात का बहुपद है? द्विघात बहुपद। x² + x² - 1 और फिर +2, द्विघात बहुपद। सबसे पहले देखिए, क्या यह बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है वो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, -1 है। जी, -1। तो ये बहुपद ही नहीं है। नहीं, जब बहुपद ही नहीं है तो द्विघात त्रिघात का सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, अब बताइए x⁻⁰ बराबर क्या होगा? एक होगा, ठीक है। रैखिक बहुपद का परिभाषा दीजिए। जिस व्यंजक में चर का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद। x - 1/2 का शून्य क्या होगा? +1/2। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो आप द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं? जी, उसके लिए एक सूत्र होता है, x²-α+β × x + α β। प्लस अल्फा बीटा, ठीक, वेरी गुड। x²-16 का शून्य क्या होगा? +√16 और -√16। एग्जैक्ट मान बताइए, उसका संक्षिप्त रूप बताइए। +4 - -4। +4 और -4, ठीक। क्या 3√x + 2 बहुपद है? 3√x + 2 बहुपद नहीं, क्योंकि रूट है तो x² क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। जी, तो ये बहुपद नहीं है। y² - 6y + 8 का घात क्या होगा? y² - 6y + 8 2, ठीक। अब बताइए कि अगर LCM और HCF किन्हीं दो संख्याओं का ज्ञात हो और एक ठो संख्या भी ज्ञात हो, तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं? LCM × HCF / 2 / 1 हाँ, 6 और 8 का LCM क्या होगा और HCF क्या होगा? HCF 2 और LCM 2। LCM कितना? LCM 2 कैसे होगा? 24 होगा, ठीक। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अनुपात क्या होगा? दो अनुपात एक हो जाएगा, ठीक। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 100 और प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योगफल? 110 n × n+1/2 तो 55 हो जाएगा ना? जी, 55 55 होगा। 0.01001001 जी, यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? हम आगे डॉट 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 तो नहीं बोले हैं, परिमेय है। ये कब अपरिमेय होता है? जब आगे बढ़ता डॉट 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 होता है तब ये अपरिमेय होता है, ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसे करके फंसा देता है कभी कभी, देख कर के तो लगा कि हम तो पढ़े हैं 01 है, 001 है, 0001 है, 0001 है,
और डॉट 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 नहीं दिया, पूछ दिया कि क्या होगा, तो बच्चे कम कई बार इसमें फंस जाते हैं, इस पर ध्यान रखना है। सात किस संख्या का स्क्वायर करने पर सात प्राप्त होगा? 3.5। 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो सात होगा। 3.5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा लगभग, उनको लग रहा है 12.25 के आसपास हो जाएगा। सात होगा रूट सात का स्क्वायर। जी रूट सात ही का ना, स्क्वायर सात होता है। छोटी छोटी चीज़ों में कई बार हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है? 1/2। 1/2 बड़ा है, ठीक। 1.2, 2 के ऊपर एक रिंग है, इसका P/Q रूप क्या होगा? 1/2 जी, केवल 2 के ऊपर एक रिंग है तो इसका P/Q रूप क्या होगा? 1/99। क्या किया आप? रेकडिंग की जगह पर 12 में से एक को घटाए हैं, जिस पर रेकडिंग नहीं है वही ना। 12 में से घटेगा तो 11 हो जाएगा ना, 11/99। केवल 9, 10 बाद तो केवल एक ही अंक है, 10 बाद केवल एक अंक है। ये क्वेश्चन अगर कॉपी पेन पे होता तो प्रॉब्लम नहीं होता बिल्कुल, को हमें पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं साइंस के तरफ। आप बताइए कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। अच्छा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है या भिन्न भिन्न होती है? भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है, निर्वात में अलग होती है, कांच में जल में, कांच में जल में, सब में अलग अलग होती है, ठीक। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। प्रिज्म का, ठीक। अच्छा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य, वर्ण मतलब रंग, सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। लाल रंग का सबसे अधिक होता है, और बैंगनी का सबसे कम कम होता है। बैजा निपिनाला पड़े होंगे और इंग्लिश में। हाँ, ठीक। साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? वाहन का साइड मिरर में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का होता है, ठीक। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अविलंब की ओर। अविलंब की ओर, ठीक। लेंस में मुख्य फोकस की कुल संख्या कितनी है? 2। 2 है, ठीक। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। दूसरा नियम बताइए। किन्हीं 2 माध्यमों तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि sin I/sin R। इसको स्नेल का भी नियम कहा जाता है, ठीक। उत्तल लेंस किस आकृति का होता है? किनारों का अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, ठीक। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का चाल न्यूनतम किस चीज में होता है? निर्वात में या कांच में या जल में? निर्वात में। न्यूनतम, न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम कांच में, निर्वात में तो सबसे अधिक। सबसे फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? उत्तल लेंस, ठीक। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से। बताइए आप, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। अम्लीय। अम्लीय होता है। अच्छा, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में? टमाटर। टमाटर, ठीक। टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। क्षारीय होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। CaCO3। वेरी गुड, ठीक। हमारा जो बॉडी है वो pH के कितने परास के बीच काम करता है? 7.0 से 7.8 के बीच। 7.8 के बीच, ठीक। उदासीन विलयन का pH मान? 7। ठीक। अच्छा, साइंस की स्थिति विपुल की बहुत अच्छी है। अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ हम लोग चलते हैं। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? रूस का पहला साम्यवादी, ऑप्शन दे देते हैं। लेनिन, टॉल्स्टॉय, स्टालिन,
लेखनो लेनिन साम्यवादी वाला साम्यवादी लेखनो था। अच्छा, रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? सितंबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में, नवंबर 1917 में? नवंबर में। सितंबर 1917 में। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921। ठीक है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ठीक। चेका क्या है? चेक पुलिस संगठन। पुलिस संगठन है। ठीक। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। वेरी गुड। साम्यवादी घोषणा पत्र जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था उसके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेलस। एंगेलस। ठीक। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। वेरी गुड। ये आप पढ़े हैं ठीक से। भूमि शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए थे? ट्रॉट्स्की ने या लेनिन ने? लेनिन ने। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन? सेंट साइमन। सेंट साइमन था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई, 5 मई, 10 मई, 15 मई? 1 मई। 1 मई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था? 9 जनवरी 1905 को पुराने कैलेंडर के अनुसार। हाँ। नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905। नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन। ठीक है, बहुत अच्छा। चलते हैं थोड़ा हिंदी की तरफ। आप बताइए बाबू, विष का दांत पाठ की कौन सी विधा है? कहानी। कहानी है। ठीक है। जो सेन साहब थे उनकी पांचों लड़कियां कैसी थी? माता पिता के हाथ से कटपुतली थी। उदंड थी कि ना समझ थी, मूर्ख थी, सुशील थी? सुशील। हाँ, सुशील। ठीक। माता पिता के हाथ की कटपुतली थी। अच्छा, गिरधर लाल का बेटा कौन है? मदन। मदन है। ठीक। खोखा के दो दो दांत किसने तोड़े? मदन। मदन ने। अच्छा, खोखा की बहन कौन थी? सब सीमा, रजनी, शेफाली, अली, आरती, पांच को बहन थी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। वेरी गुड। ठीक। अब चलते हैं हम लोग संस्कृत के तरफ। वेद के कितने प्रकार हैं? चार। चार कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक। अच्छा, इसमें गीत संगीत का जनक किसे कहा जाता है? ऋग्वेद। गीत संगीत का सारे गा में पदा नहीं ससा नहीं था मगर ऐसा जिसमें होता है सामवेद। और ये जो प्रेम विवाह भूत पिशाच ये सब किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद। ये अथर्ववेद से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से। ठीक। और गद्य और पद्य का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक। वेदांग कितने हैं? छह। छह। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। अच्छा, उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है? आधुनिक साहित्य का या वैदिक साहित्य का? आधुनिक साहित्य। वैदिक साहित्य का है। अच्छा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद। ठीक। स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? मुख। मुख आच्छादित। वेरी गुड। किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? विद्वान। यानी साधक को जी। किसकी विजय नहीं होती? असत्य की। असत्य।
अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है? नदी। नदी, ठीक, वेरी गुड। चलिए, अच्छा परफॉर्मेंस रहा विपुल का और इनसे बहुत उम्मीदें हैं और विश्वास है कि उम्मीदों पे ये खरा उतरेंगे। आगे बढ़ने के लिए और सारे सपनों को पूरे करने के लिए, जैसे इन्होंने अपने सपने में ऐड किया है, इनका सपना क्या है? आईआईटी का, तो उसके लिए इन्हें अच्छी तरह से पता है, ये बेहतर तरीके से इस बात की समझ रखते हैं कि उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैं पूरा भरोसा है कि अभी से जी जान लगा करके पढ़ेंगे और इनका ड्रीम पूरा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।